प्रतापगढ़ शहर के प्रगति नगर में दो युवकों ने घर में घुसकर मां और बेटी पर पिस्तौल तानकर लूट का प्रयास किया। इस दौरान मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों की गोलियां और गतिविधियां कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला प्रगति नगर का है, जहां शहर के कपड़ा व्यवसायी विपिन दत्त के घर में रात को उसके घर पर पत्नी मंजूषा और 4 वर्षीय पुत्री लीची अकेली थी। इस दौरान मकान का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। जैसे ही मासूम ने दरवाजा खोला तो हाथों में पिस्टल लेकर दोनों युवक घर के अंदर घुस गए। एक युवक ने लीची को उठा लिया और पिस्टल तान दी। दूसरे युवक ने मंजूषा से पिस्टल दिखाकर अलमारी की चाबी मांगी। वहीं दोनों के मुंह के तकिए से दबा दिए। इस दौरान महिला ने अलमारी के बजाय अन्य चाबियां युवक को दी, लेकिन उससे अलमारी नहीं खुली। इस दौरान घर में रखे मोबाइल की घंटी बजने लगी। एक आध बार घंटी लगातार बजी। इससे युवक घबराकर मां बेटी को वहीं छोड़कर अंधेरे में भाग गए। महिला ने बाहर आकर हल्ला मचाया। इस पर कई लोग यहां पहुंच गए। इस दौरान सूचना पर विपिन, संजय आदि भी अपने घर मौके पर पहुंच गए और पुलिस को फोन लगाया। एएसआई पारस शर्मा मई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी में फुटेज देखे, इस संबंध में संजय ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खबर ऐसी दिखेगी प्रतापगढ़ से शमसुद्दीन शेख की एक रिपोर्ट। 7:45 बजे घर में वाइफ अकेली थी और मेरी गुड़िया थी। वहाँ पर अंदर दो डाकू आए बंदूक लेके और अंदर घुस गए मेरे रूम के अंदर। उसने पैसे की डिमांड की, वाइफ का मुंह तके से दबाया कि पैसे निकाल तू। और उसने ना बोला कि भाई हमारे यहाँ पैसे रखते नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी, तो यहाँ से जाओ तू कि पैसे निकाल तो भी तू कैसे भी करके। तो उससे चाबी दी उसने लॉक खोलने के लिए, तो हाँ ठीक है। उसने देखा देखी कि इतने में वो भग गए यहाँ से, बंदूकें थी दोनों के हाथ में। मेरे गुड़िया का मुँह दबाया उसने और अंदर ले गया वो। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद वाइफ ने मुझे बस तुरंत प्रभु से फोन लगाया मेरे उसको कि आप घर पे आ जाओ जल्दी से, यहाँ चोर आ गए हैं। तो मैंने सब कॉलोनी वाले का आसपास को फोन लगाया तो सब आ गए थे। पुलिस वाले को फोन लगाया, लगभग फोन आधे से पौन घंटे में पुलिस वाले आए। हमें क्या कह रहे थे उस समय जब फोन लगाया, तत्काल नहीं आए? नहीं तत्काल नहीं आया, उधर बस वो क्या हम दूसरी जगह थे, बस वहाँ से यहाँ आ रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे। उसके बाद कोई कार्रवाई? बस वो गए स्टेशन पे गए, वहाँ इंक्वायरी चल रही है। सीसीटीवी के अंदर क्लियर फोटो आया है। अब जो भी इसका करे तफ्तीश करेगी पुलिस वाले तभी पता चलेगा।